सब्सक्राइब करिए ईएमटी सॉल्यूशन चैनल को लेटेस्ट टेक वीडियो और सभी तरह के टेक्नोलॉजी रिलेटेड सॉल्यूशन पाने के लिए और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल ईएमटी सॉल्यूशन में। तो आज हम बात करेंगे गूगल लेंस के बारे में कि कैसे आप केवल एक पिक सर्च कर उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। पहले आपको क्या होता था कि गूगल के ऊपर कुछ टाइप करना होता था और टाइप करने के बाद वो चीज़ें सामने आती थी, बट अभी गूगल कुछ एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करके आया है जिसका नाम है गूगल लेंस। एंड इससे आप सर्च कर सकते हैं किसी भी पिक को कि वो उसकी लोकेशन कहाँ पर है, वो पिक कहाँ पर है एंड वो जगह कहाँ है जो भी उस बैकग्राउंड के अंदर है। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, कैसे ये वर्क करेगा ये जानते हैं। तो अब हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले जाएंगे गूगल फोटो के ऊपर। तो सबसे पहले आपको गूगल फोटो के ऊपर जाना है। यहाँ देख सकते हैं कि गूगल फोटो ओपन हो चुका है। अगर आपने इसको अपडेट नहीं किया गूगल फोटो को तो अपडेट कर लीजिए, क्योंकि उसके जो अपडेटेड वर्जन है उसमें ही फीचर्स दिया गया है गूगल लेंस का। तो सबसे पहले हम एल्बम पे जाते हैं, क्योंकि एल्बम पे जाने के बाद मेरे पास यहाँ पर कुछ पिक मैंने डाउनलोड करी है गूगल से, तो मैं इसको आइडेंटिफाई करूँगा कि वो पिक कहाँ की है। तो हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ पिक्स दी गई है, आप यहाँ पे उन पे क्लिक करेंगे। मुझे नहीं पता ये मंदिर कहाँ का है, मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता, बस ये पिक्स थी जो मैंने डाउनलोड कर ली थी। एंड उसके बाद मुझे इसके बारे में जानना है कि मंदिर कहाँ का है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो मैं यहाँ पे एक फीचर दिया गया है, इस पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं इसे क्लिक करूँगा तो ये इसको आइडेंटिफाई करेगा और चेक करेगा कि पिक कहाँ की है। देख सकते हैं इसने बता दिया है कि ये कहाँ के पिक है और कौन सा टेम्पल है ये। उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कुछ नई इमेजेस पर। मैं इन पिक्चर को जानता हूँ कि काफ़ी पुरानी पिक्चर लग रही है, मुझे नहीं पता ये जगह कहाँ की है और पिक्चर भी काफ़ी ब्लर है यानी क्लियर नहीं है। तो मैं इसको भी सर्च करता हूँ तो गूगल इसको भी फाइंड कर रहा है। आप देख सकते हैं आगे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकल रही है। तो इसने ये भी बता दिया कि कहाँ का चर्च है, ये कहाँ पर है, शिमला में है। तो इस तरह से इसकी इन्फॉर्मेशन निकाल दी इसने। तो काफ़ी कमाल का फीचर है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है गूगल काफ़ी अच्छे फीचर्स दे रहा है। तो अब मैं कुछ नया सर्च करता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे कि ये कुछ खाने की डिशेस है, मुझे पता लगाना है कि ये कहाँ का है और किस रेस्टोरेंट का है। आप देख सकते हैं मैंने इसको सर्च करा, जैसे ही मैं इसे सर्च कर रहा हूँ तो इसने इसके बारे में पता लगा दिया कि कहाँ का है। आप देख सकते हैं इसने इस बार इसके नाम को आइडेंटिफाई करा है, यानी इस रेस्टोरेंट के नाम को इसने आइडेंटिफाई करा है। यानी अगर आपके पिक के ऊपर अगर किसी भी कंपनी का नाम या किसी भी चीज़ का नाम है तो उसको आइडेंटिफाई करके उस चीज़ को निकाल देगा। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ। मान लीजिए कोई कार्टून्स की इमेज है, जैसे कि इमेज है इसके नीचे कुछ लिखा हुआ है आई कैन ऑलवेज मेक यू स्माइल। तो मैंने इसे सर्च करा कि ये कहाँ पे बना हुआ था, ये कहाँ से कॉपी किया गया है या कहाँ से निकाला गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक मग के ऊपर था और वहाँ पर लिखा हुआ था, वहाँ से पिक ली गई है। तो कितना कमाल का फीचर्स है, इसने 1 सेकंड में आपको पता लगा दिया इसकी ओरिजिनल पिक और कहाँ से लिया गया ये भी पता लगा दिया। तो काफ़ी अच्छा फीचर है गूगल का, ये वर्ड भी फाइंड करता है प्लस ये पिक्चर्स के ऊपर जो जो कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें भी ले लेता है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कोई भी चीज़ को जानने में। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा फीचर गूगल ने दिया है। आप इसे यूज करिए, अपने गूगल फोटो को अपडेट करिए और जानिए किसी भी पिक के बारे में। आपको कोई भी बंदा पागल नहीं बना सकता है अगर वो बोलता है कि मैं यहाँ गया था, आपने उसके पिक को उससे ले लिया वहाँ से और उसको बस सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जगह आपको निकल के आ जाएगी। तो काफ़ी